हमारी सेफ्टी हो या चाहे प्राइवेसी, हर चीज का मजाक बना रहता है। आम आदमी हो भैया, सहना तो पड़ेगा ही। लेकिन इस बार बात है 81.5 करोड़ इंडियन सिटीजन की, देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है ये। हाय, मैं हूँ प्रतीक चौधरी, आप देख रहे हैं अनकट। 81.5 करोड़ इंडियन सिटीजन का पर्सनल डेटा लीक हो गया है ऑनलाइन, जैसे नाम, फोन नंबर, एड्रेस, आधार और पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन सब लीक हो चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से क्लेम बाहर की एजेंसी ने किया है। यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म री सिक्योरिटी क्लेम करती है कि 81.5 करोड़ इंडियंस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पर लीक हो चुकी है। री सिक्योरिटी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि ये डेटा ब्रीच एक हैकर ने डिस्कवर किया था और अक्टूबर 9 को उसने एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया और वहां उसने प्रूफ के साथ क्लेम किया कि ये करोड़ों इंडियंस की पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन जा चुकी है और ये भी कि ये सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट की है COVID-19 की टेस्ट डिटेल्स है जो रजिस्टर्ड थी ICMR के साथ। और प्रूफ के तौर पर इसी हैकर ने स्प्रेडशीट अपलोड करे 4 बड़े सैंपल्स के, जहां पर आधार कार्ड की कुछ डिटेल्स भी थी। और थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला कि ये वैलिड आधार कार्ड डिटेल्स हैं। 4 बड़े सैंपल्स थे ना, एक सैंपल में पता है कितने रिकॉर्ड्स थे? 1,00,000 रिकॉर्ड्स। मतलब 4,00,000 रिकॉर्ड्स ऐसे ही ऑनलाइन सर्विस हो गए। वहीं एक और एक्सपोस्ट है जहां एक हैकर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लीक डेटा में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका फोन नंबर, आपका दूसरा फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर और आपकी उम्र सब बाहर जा चुका है। मतलब 4,00,000 रिपोर्ट्स ऑनलाइन सर्फेस हो गई हैं, पूरा डेटा डार्क वेब पर है एंड इट इज फॉर सेल देयर। बोली लग रही है भाई उस डेटा की, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है यहाँ पे? वेल, अभी तक ICMR गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI इस मैटर को देखेगा जैसे ही ICMR की तरफ से उन्हें एक ऑफिशियल कंप्लेंट मिल जाती है। बाकी डैमेज कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP को लॉन्च कर दिया गया है। वैसे ही डेटा ब्रीच है तो काफी बड़ा झटका हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है हमारी इकोनॉमी को डिजिटल बनाने के लिए और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि आधार, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट्स के बेस पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI बिल्ड करने के लिए। और फिर वही डेटा ब्रीच हो जाता है, सब IDs लिंक्ड है ना आपस में, तो एक भी ID अगर लीक हो गई मतलब सब कुछ गया आपके हाथ से। वैसे चलिए ये तो हुई लिखी पड़ी बातें, लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर सही में ये सारा डेटा गवर्नमेंट डेटाबेस से लीक हो जाता है तो कितना बड़ा कंसर्न है ये। और ये भी कि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, इंडियन हेल्थ सिस्टम पिछली बार भी हैम्पर हुआ था। लास्ट ईयर जब एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ था और इन्वेस्टिगेशन में पड़ोसी देशों का नाम आया था क्योंकि IP एड्रेस तो वहीं का निकला था। अगर गवर्नमेंट हमारी कन्वीनियंस के लिए सब कुछ डिजिटल करवा रही है और वहीं सब आपस में लिंक्ड भी हैं, इसके फायदे ज़रूर है मैं मानता हूं, लेकिन क्या इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को? यहां हम अपने मोबाइल नंबर तक किसी अननोन पर्सन को नहीं देते और वहीं दूसरी तरफ हमें बिना पता चले हमारा सारा पर्सनल डेटा लीक भी हो जाता है। डार्क वेब पर वो बिक भी रहा है और ये हमारे सामने कब आया? ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। कहीं तो फुर्ती दिखानी पड़ेगी ना यार। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी वीक है कि बाहर देश में बैठे हैकर ने हमारा डेटा ब्रीच अनाउंस कर दिया और खबर भी नहीं लगी हमको? तो इतनी देर क्यों लगी इसको पता लगाने में? महीने भर बाद पता चलता है और अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं आए। पहले उनका इंतजार करो, फिर जांच बैठेगी, कब तक इतना ढीला रवैया रहेगा डेटा सिक्योरिटी को लेकर गवर्नमेंट का? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब लिंक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से भी हो सकता है। सोचिए और अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अनकट को फॉलो करें।